Fix Olek. Fix the leak with Molek. Waterproofing consultant. We provide waterproofing consultancy service pan India. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री के जाने माने धवन एसोसिएट के डायरेक्टर मिस्टर एम के धवन साहब गुजरात में आए हुए हैं और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर हिम टू कम इन माय ऑफिस एट नारोल। हमारी ऑफिस में विराजमान है और मैं उनका कुछ 25 साल का बहुत बड़ा तजुर्बा है ये इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत कुछ हमको दिया हुआ है। इंडस्ट्री में बहुत साल से जाने माने नाम में से एक गिना चुना नाम है। वो इंडस्ट्री का एक पूरा सेगमेंट TWA चैप्टर को रन करते हैं और आइडियली डीसील करके उनकी कंपनी है जो एक्सपांशन जॉइंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रही है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर एम के धवन सर। सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगे कि आप एक्सपांशन जॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू मीन बाय द एक्सपांशन जॉइंट? और एक्सपांशन जॉइंट अपनी इंडस्ट्री में, कोई भी कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों होता है? थैंक यू मानव चौकसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आज इन्वाइट किया और मुझे मौका दिया अपने दर्शकों से बात करने का, उनको समझने का और पर्टिकुलरली इस बारे में उनको नॉलेज शेयर करने का कि एक्सपेंशन जॉइंट होता क्या है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हमारी ट्रेड में ये जानते ही नहीं हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट्स मीन्स क्या, जबकि इनफैक्ट एक्सपेंशन जॉइंट को अगर डिफाइन किया जाए तो एक्सपेंशन जॉइंट बिल्डिंग का नर्वस सिस्टम है। ओके, ये बिल्डिंग की लाइफ को एनहांस करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है जो जब कभी एक्सपेंशन प्रोटेक्शन तो सीमेंट का एक नेचर है ही है, लेकिन जब कभी कोई तो बिल्डिंग की या बिल्डिंग का मूवमेंट बड़ा कुछ बनता है किसी भी वजह से, वेदर या कोई भी चीज़ की, तो उस समय एक्सपेंशन जॉइंट उस मूवमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि बिल्डिंग के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। तो इनफैक्ट ये उसको उस लॉस को बियर करने की कैपेसिटी रखता है बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाए बिना। नटशेल तो ये हुआ कि ये उसको अपनी एक्सपेंशन जॉइंट अपने सिस्टम के हिसाब से उस बिल्डिंग की उस समय आई हुई प्रॉब्लम को अपने ऊपर एडजस्ट कर लेता है और बिल्डिंग को सेफ रखता है। माने कहीं ना कहीं बिल्डिंग की सर्विस लाइफ बढ़ाने के लिए इट्स ए अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। डेफिनेट। और इंडिया में हालांकि ये शायद बहुत ज़्यादा अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन यूरोपियन बिल्डिंग में आज से 100 साल पहले से भी जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसका ये बहुत ही असेंशियल पार्ट था। और इंडियन या हमारी नियर बाई कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में इसको इसलिए भी कई बार अवॉइड कर दिया था कि टेक्नोलॉजी हम लोग जो अडॉप्ट करते थे वो हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं और ये एक्सपेंशन जॉइंट को एक कॉस्टली पार्ट ऑफ द बिल्डिंग समझते हुए इसको अवॉइड कर दिया जाता था। ओके, कि क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि वाटरप्रूफिंग के आप एक्सपर्ट हैं और वाटरप्रूफिंग वाला पार्ट बहुत सारे लोग पहले इसलिए अवॉइड कर दिया करते थे कि ये दिखता नहीं है। तो इट्स अ कंसील्ड पार्ट, बिकॉज ऑफ दिस कंसील्ड दिखता नहीं है इसलिए इसका इम्पोर्टेंस या इसकी जो भी मौजूदगी है वो पता नहीं चलता है। जब कुछ अनअवॉइडेबल थिंग्स होती है तभी जाके वाटरप्रूफिंग कितना मायने रखता है, इंटीरियर कितना मायने रखता है, तब वही पता चलता है जब वाटरप्रूफिंग फेल होता है। तो ऐसे नई जनरेशन या नए कंसल्टेंट्स जो अभी जैसे जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए और रेरा में बिल्डिंग की लायबिलिटी बिल्डर पर आई कि कम से कम 5 साल उसको जरूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी, तो बिल्डर भी अलर्ट हो गए और कंसल्टेंट की भी वो बात सुनने लगे। तब उन्होंने माना कि ये जो जितनी भी जरूरी चीज़ें लगे आइदर वाटर पार्ट्स या एक्सपेंशन जॉइंट उन दोनों को
उसके रोल के हिसाब से उसमें हमें उसका हिस्सेदार बनाना ही होगा, उसको यूज़ करना ही होगा। और अब जाके इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी ज़रूरत भी लोग समझने लगे हैं। और एक ये इसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी लोग अब इसलिए अपनाने लगे हैं कि एक तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तो बेनिफिट होता ही होता है, प्लस बिल्डिंग की लुक को ये एनहांस करता है। सो अभी ये धवन साहब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि एक्सपांशन जॉइंट तो जब से बिल्डिंग बनते थे बहुत साल पुराने तब से आते थे, और अभी बिल्डिंग की लेंथ बढ़ गई है तो एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे हम लोग लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हमारी कंपाउंड वॉल 2000 मीटर की है या 500 मीटर की है, तो हम 5-6 मीटर के बाद 3 मीटर के बाद बीच में एक हल्का सा 1 इंच का गैप देते हैं, वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, भविष्य में कहीं इसकी वजह से पूरा कंपाउंड वॉल नहीं गिर जाए और वो सेटलमेंट उतने ही पार्ट तक मौजूद रहे। वो पहले से था, पर अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बिल्डिंग की मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत बढ़िया लेवल पर अडॉप्ट हो रही है, जैसे वर्ल्ड में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो हाईएस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू था, अभी उसके बाद इंडिया में मोदी जी ने बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दैट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैच्यू राइट नाउ इन द वर्ल्ड। सो ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी वाटरप्रूफिंग में और स्ट्रक्चर में और एक्सपांशन जॉइंट में जिस हिसाब से अवेयरनेस की वजह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो एडॉप्शन हम लोग करते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपर्स, बिल्डर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वो इतना बढ़िया सा लुकआउट देने लगे हैं कि जिससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपको एक्सपांशन जॉइंट, पर्टिकुलरली एक्सपांशन जॉइंट कौन से मोड पे इंडियन टेक्नोलॉजी में जा रहा है और उसकी प्रायोरिटी या उसका इम्पोर्टेंस कितना होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे वो कितना आइडियली है या कितना कॉस्टलीएस्ट है, या शुरुआत में कॉस्टलीएस्ट है बाद में इट विल बी द चीपेस्ट, व्हाट यू कैन से। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। एक तो ये पहले से ही जो एक्सपर्ट जो हमारे गिने चुने आर्किटेक्ट हैं, जिनको आप अच्छे आर्किटेक्ट पहले गिनते थे, वो लोग तो इसका इस्तेमाल अपनी बिल्डिंगों में या उसमें रिकमेंडेशन लिख ही रहे थे, उन अच्छी बिल्डिंगों में तो इसका इस्तेमाल हो ही रहा था, लेकिन इन जनरल ये इसलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते थे कि शायद इस, जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी कॉस्ट की वजह से या अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि दिखता नहीं है या अवॉइड किया जा सकता है तो लोग अवॉइड करते थे। अभी उन सब जनरल बिल्डर्स के लिए ये स्टेज बी से कह सकते हैं, वन इज द इंट्रोडक्टरी एंड देन यूजेबल, दे जस्ट स्टार्ट टू यूज इट। तो वो जो इसका एक इसमें भी जो जिस जो कॉस्ट जो मटेरियल की इसमें जो कॉस्ट आती है, एक्चुअली इसकी हर जगह स्ट्रेंथ ग्रेविटी और वेट बेयरिंग कैपेसिटी स्ट्रेस उस सब को काउंट होने के बाद इसकी वैल्यू तय की जाती है एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा कितने रेट का कितना मोटा एक्सपेंशन जॉइंट होना चाहिए। ओके और दैट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, द एक्सपर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज द एक्सपर्ट इन दैट, दैट टू डिजाइन अकॉर्डिंगली। ओके दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर स्पेस, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। सो व्हाट इज योर रोल इन दैट स्ट्रक्चरल अकोमोडेशन, आप कहां उसको ब्रीच करके बिल्डिंग को एनहांस या सर्विस लाइफ बेस्ट दे सकते हो। हम लोग उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझ के और उसके हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं, उसको एक्सपेंशन जॉइंट को, और वो डिजाइन उनके आर्किटेक्ट की या स्ट्रक्चर डिजाइनर की कंसल्टेंसी के हिसाब से हम उसको उनको अपने डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, तो जो जिसे वो अप्रूव करके और उसी हिसाब से हम लोग बना के दे देते हैं। और ये जो इंडस्ट्री में नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जो फॉरेन में एक्सपांशन जॉइंट जिस हिसाब से EPDM के साथ एल्यूमिनियम के सेक्शन से लग से जो इम्पोर्टेंट या एडवांस टेक्नोलॉजी जो फॉरेन में काफ़ी साल से यूज हो रही है, वो भी इंडिया में धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रही है, और आप उसमें इंडियन मार्केट में नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हो, तो वो आप क्या सोच रहे हो, वो इंडस्ट्री किस हिसाब से जा रही है और क्यों ये सब वो सब नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट क्यों करनी चाहिए। वो इंडस्ट्री
मोस्टली जो एक्सपेंशन जनरेशन है वो तो इस समय बूम हो रही है, क्योंकि जितनी भी हमारी नई जनरेशन है वो इस चीज़ को समझ रही है और एक्सपेंशन ज्वाइंट के यूज़ को क्या उसके बेनिफिट हैं इसको वो समझती है, इसलिए इंडस्ट्री तो बूम हो रही है। और जो भी हमारे यंग जनरेशन जैसे बाहर कभी जाते हैं या टेक्निकल इंजीनियर्स जैसे बाहर विजिट करके आते हैं दुबई यहाँ का सिंगापुर वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं, वहाँ वो देखते हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट का यहाँ कैसे यूज़ और कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और ये कैसे वो 18वीं या 20वीं मंजिल पर बैठा हो और कोई भूचाल या कुछ ऐसा आ जाए और वो उसको उनको मालूम तक नहीं पड़ता, वो ये जो एग्जैक्ट कंट्रोल होता है ये एक्सपेंशन जॉइंट ही करते हैं। तो वहाँ से वो लोग जब देख के आते हैं तो वो चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम भी अपने यहाँ अपनाएं, और फिर क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को वहाँ देख चुके होते हैं और यहाँ वो ट्राई करना है तो उनको कॉस्ट वाइज भी फिर वो सस्ता लगता है कि ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, जो उसका रिजल्ट है या जो अगर इसको अवॉइड करके जो हम लोग लॉस कर रहे थे वो लॉस बहुत ज़्यादा है, जबकि इसको यूज़ करने से हमें इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये कॉस्ट वाइज अगर जैसे पूछ रहे थे तो कॉस्ट तो बिल्कुल नॉमिनल है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ही एक्सपेंशन जॉइंट की कॉस्ट आती है, जितनी स्ट्रक्चरल कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट उतनी आती है, तो बहुत महंगा पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जिस मटेरियल होते हैं एक्सक्लूडेड एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स होती हैं तो इनकी लाइफ क्योंकि सैकड़ों साल होती है इसलिए ख़राब ही नहीं होता, तो लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी कॉस्ट अगर लंबे टाइम में गिना जाए तो कम होती है। दूसरा आपने पूछा कि जो जो इपीनियम टेक्नोलॉजी या इपीनियम सील्स हम लोग यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ये भी अब हम लोग इन कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, इपीनियम भी यूज़ करते हैं इपीनियम सील्स यूज़ करते हैं, और उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसकी ऊपर एक्सक्लूडेड एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स भी यूज़ करते हैं। ओके ज़रूरत के हिसाब से जितना वेट है वो इपीडियम सील्स होती हैं, वाटर टाइट सील्स वाटर को माने स्ट्रक्चर को इम्परमिएबल बनाने के लिए और एकोमोडेशन को बैक करने के लिए, और एक्सपेंशन जेट सिस्टम जो होता है वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों का कम्बिनेशन है एक्चुअली। एक्सपेंशन जॉइंट नॉट ए वाटर प्रूफिंग प्रोफाइल, इट्स एन एल्यूमिनियम पार्ट जो विच कंट्रोल्स द एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बिल्डिंग एज पर द वेदर एंड द मोमेंट इट शुड बी अकोमोडेट एज पर द रिक्वायरमेंट। इन एडिशन टू दैट ईपीडीएम शील्ड दैट इज द पार्ट ऑफ दिस टू स्टॉप द वाटर, क्योंकि सब जगह पानी का प्रभाव नहीं होता है एक्सपेंशन जॉइंट वाले जाकर, तो जहाँ पे है जरूरी वहाँ पे उसी हिसाब से उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईपीडीएम सील लगाई जाती है, और ईपीडीएम सील अभी स्ट्रक्चर के डिजाइन के हिसाब से ही मॉडिफाई होती है बार टाइम टू टाइम। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो इंडियन के पूरे मार्केट में इंडिया में जो एक्सपेंशन जॉइंट्स जो हो रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके जो सिस्टम्स हो रहे हैं टीपी मेम्ब्रेन से हो रहे हैं, कहीं कोई प्रोफाइल की सीट से हो रहे हैं, फ्लैक्स से हो रहे हैं, पीपी लाइनर सीट से हो रहा है, उसके कॉम्बिनेशन में ये अभी हो रहा है। उससे पहले पुराने में तो हम नहीं जा रहे कि जिसमें सिर्फ पॉलीसल्फाइड सीलेंट भरते थे फिर पी यू सीलेंट और फिर जेली बोर्ड था, फिर अभी HD100 आया उसके ऊपर पी यू सीलेंट भरते हैं, फिर ये जो जॉइंट्स हो रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी हम साइड में रखे, उससे पहले की भी बीच में टेक्नोलॉजी जो हमारी एपीपी मेम्ब्रेन से भी कभी करते थे अभी वो काफ़ी हद तक की उससे बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आई वो, और ये जो अभी आप जो कर रहे हो डीसील जो मार्केट में प्रमोट कर रहा है जो वो कितनी रेंज में इनिशियल अप्रोक्सीमेट कितनी रेंज या कितना गुना अभी के हिसाब से महंगा होता है अभी के बेस सिस्टम और आपकी जो सिस्टम। तो ये महंगी की कॉस्ट का इसमें रोल नहीं है, जो पहले जो टेक्नोलॉजी आती थी वो एक्सपेंशन जॉइंट जो हमारे पहले अब तक हुआ करते थे उनका गैप ही 20 mm से लेके मैक्सिमम 50 mm तक का हुआ करता था, अब तक जो पुराने टाइम में हमारे जितने भी पुराने बिल्डिंग में गैप देखे वो अप्रोक्सीमेट अब तो 50 mm हुआ करते थे, और 50 mm का गैप आसानी से पॉलीसल्फाइड से या बैटर से ठीक किया जा सकता है वो। लेकिन जो क्योंकि हमारे स्पैन बहुत बड़े बड़े हैं तो उसमें एक्सपेंशन जॉइंट गैप जो है वो ऑन एवरेज 50 mm से लेके और 300 mm तक के गैप भी हैं, फ्लोर गैप या हॉरिजॉन्टल गैप की बात करूँ वो भी 300 mm तक के हैं, तो 300 mm का गैप जो है वो ईपीडीएम या उससे नहीं भरा जाता, इसके लिए ये मैकेनिकल प्रोफाइल्स यूज़ होती हैं जो
उसकी स्ट्रेंथ को भी बरकरार रखती हैं और उसका एस्थेटिक लुक को भी बरकरार रखती हैं, और उसके नीचे जो हम लोग सिस्टम लगाते हैं वाटर बैरियर वगैरह वो वाटर प्रूफिंग का काम करता है। एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इट इज ऑलवेज चीपर रादर देन दैट it gives you a last long service life rather than the other membrane which at the time goes या anything happens तो वो detach हो जाती है या उसकी bonding छूट जाती है, that will not at all in bonding this case। क्या होता है कई बार, ये मैं आपसे एक बार जरूर बताना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग जो cost की वजह से अनजान लोगों से कुछ एक एक्सपेंशन जॉइंट का काम करवा भी लेते हैं और फिर उनको दिक्कत होती है, तो वो थोड़ा चीप टाइप एडेसिव चीप क्वालिटी की शीट वगैरह नीचे यूज़ करते हैं, वो लोग अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आप एक्सपर्ट ओपिनियन से अगर काम करेंगे तो ये एक बार ईपीडीएम सील अगर प्रॉपर लग जाए तो ये कभी छूटती नहीं है। इनके जो एडेसिव्स हैं ये एम सी बॉश में जर्मन जैसे कंपनी बी एस एफ सीका 31C ये सिलेक्टेड कुछ ब्रांड्स आते हैं जिनका पर्टिकुलर इसी काम के लिए वो एडहेसिव बने हुए हैं। हाँ, ऐसे और नॉर्मल में VK403 नॉर्मल प्राइस से थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन ये बड़े ड्यूरेबल होते हैं। और लेकिन जो कुछ नाड़ी लोग होते हैं वो उसमें पिटीलाइट का एसआर से भी वो चिपका देते हैं, तो वो उखड़ना उसका उखड़ना नेचुरली है, तो इस तरीके से अगर कोई लगाएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन से वो लगाएंगे तो ये कॉस्ट भी आपको सस्ती पड़ती है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, एक्सपेंशन जॉइंट जो है ये दिस इज नॉट अ पार्ट, दिस इज ए ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो इसमें एक कंसल्ट की ओपिनियन लेना, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है और उसकी सलाह से ही, उसकी ओपिनियन से ही वहाँ कौन सा कितना मोटा, कितना हैवी ड्यूटी और कितनी मोमेंट का लगना है वो उसी डिज़ाइन को ही वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे लगाना चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो ये एक धवन साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बिल्डिंग का डिज़ाइन करता है, द हार्ट ऑफ द बॉडी, इट्स अ हार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर, देन द मैन्युफैक्चरर कंपनी जो इसमें बहुत सारी करीबन 150 के आसपास अलग अलग एक्सपांशन जॉइंट के टूल्स और सिस्टम रखते हैं, और एक कंसल्टेंट जैसे हम लोग हैं, वो सबका कॉम्बिनेशन होके सही प्रोडक्ट सही सेक्शन एक्सपांशन जॉइंट पर लगती है, देन इट विल बी द एब्सोल्यूटली चीपियर। इट्स नॉट एन एक्सपेंड, इट्स ए एब्सोल्यूटली इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट लॉन्ग सर्विस ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अगर कुछ भी आगे पीछे होता है, कहीं अनफॉर्चुनेटली कोई नेचुरल कैलिमिनिटी होती है एक्सपांशन जॉइंट में, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा, या फिर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो भी योर बिल्डिंग विल बी सस्टेन एंड द लाइफ ऑफ द एंटायर लाइफ जो रह रहे हैं जितने लोग, वो सब 100% सेफ रह सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज है इन ए वन लाइन, इट्स ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट लॉन्ग टाइम। तो हर किसी को अच्छी तरह से समझ के इनसे राय लेनी चाहिए, हमें हमारी भी कोई ज़रूरत है तो ये पूछ के सही चीज़ को सही जगह पे यूज़ करके हम इंडिया को लीक प्रूफ और हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू। We provide waterproofing consultancy service pan-India.